स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई हैव डिस्कस विद यू अप टू नेशनल असेंबली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791. ठीक है, द मेन एम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ किंग एंड आफ्टर दैट पावर्स वर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर 1791, यानी कि लोगों ने इतना एफर्ट किया 1789 से लेकर 90 से लेकर 1791. मे बी सम पीपल दे वर वेरी हैप्पी. व्हाई? बिकॉज़ नाउ दे थॉट दैट नाउ द सिस्टम वुड बी चेंज. उनको ये लगा कि सिस्टम चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रीजन क्या हुआ? बिकॉज़ व्हेन पावर्स ऑफ किंग वर डिवाइडेड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. क्या कोई किंग कभी खुश होगा कि उसकी पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए? ठीक है, तो किंग ने क्या किया, ही स्टार्टेड प्लानिंग कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट फ्रांस विद द नेबरिंग कंट्रीज प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. आज के टाइम पीरियड में जिसको हम जर्मनी कहते हैं, पुराना टाइम जो नेम था उसका क्या था, प्रशिया. जब आप 10th में हो जाओगे ना, फिर हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है कि प्रशिया जो है उसका नेम जर्मनी कैसे हो. ठीक है, तो इन दिस यू विल राइट टू नेम ऑफ टू कंट्रीज, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है, लुई 16th ही मेड सीक्रेट प्लानिंग. सीक्रेट प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि इन नेबरिंग कंट्रीज के किंग्स के साथ मिलकर उसने अपनी ही कंट्री पे अटैक का प्लान किया. क्योंकि उस टाइम पर प्रशिया और ऑस्ट्रिया में मोनार्की सिस्टम था. मोनार्की सिस्टम मतलब पूरा कंप्लीट मोनार्की सिस्टम था. लेकिन फ्रांस में सबसे पहले क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो लुई 16 नहीं चाहता था कि इस रूल को आगे कंटिन्यू किया जाए, एंड उसने क्या किया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के किंग्स के साथ मिलकर अपनी ही कंट्री पे अटैक का प्लान बनाया. लेकिन जब नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को किंग के इस डिसीजन का या इस कॉन्स्पिरेसी का आइडिया हुआ, देन नेशनल असेंबली में क्या की गई, वोटिंग. यानी कि जो फ्रांस के लोग थे, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि कंट्री पे अटैक किया जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने, 745 मेंबर्स ने, इन्होंने क्या किया कि व्हाई नॉट टू अटैक ऑन दीज कंट्रीज, कि वो अटैक हम पे करे, हम ही उन पे अटैक करें. और किंग को इसके बारे में बताया भी नहीं गया. आप ये देखो कि उस टाइम पर में किंग की कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट थी, दैट नेशनल असेंबली वोटेड फॉर अटैकिंग ऑन प्रशिया एंड और वोटिंग करवाई गई. और किंग को तो बाद में जाके पता लगा कि नेशनल असेंबली वोटिंग हुई है और इस वोटिंग में 2/3 मेजोरिटी से प्रपोजल पास किया गया है टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. और जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया के किंग्स को इस बात का पता लगा, तो दे बिकेम एनॉयड विद लुईस 16. एंड विद दिस हम ये कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी वॉर बिगन्स. इसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी वॉर. फर्स्ट टाइम फ्रांस जो था उसने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है वो वॉर की बिना किंग की अप्रूवल के. ठीक है, लेकिन उस टाइम पर में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, तो हम ये कह सकते कि किंग अपनी पोस्ट छोड़ नहीं सकते. और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ्रांस में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पेरिस सिटी है, इसमें मैनी पीपल दे टर्न सोल्जर्स. जो लोग फार्मर्स थे वो सोल्जर्स बने और बॉर्डर एरियाज में वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे फ्रॉम प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. This is the reason why nationalism started in the France. Nationalism का मतलब होता है patriotic feeling, जिसमें लोग अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नेशनल एंथम क्या था, नेशनल एंथम मार्सिले. मार्सिले कंपोज किया गया, किसने कंपोज किया, रोगे डी आइस. कहाँ पे सबसे पहले गाया गया, प्लेस का नाम ही मार्सिले था, वहां पे सबसे पहले सोल्जर्स ने इसको गाया. देवर मार्चिंग, मार्चिंग का मतलब से मार्च पास करते हैं, और वहां पे गाया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया सॉन्ग का, मार्सिले. और इसके बाद वॉर स्टार्ट हुई एंड फ्रांस बिकेम विक्टोरियस. फ्रांस जो है वो जीत गया. लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम, जिस टाइम पर में वॉर हो रही थी, इस पर्टिकुलर टाइम पर में मैक्सिमम रॉबेस्पियर ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया. और लोगों की जो एक, हम ये कह सकते कि जो एक्सपेक्टेशंस या पब्लिक ओपिनियन गैदर करके, ही प्लान टू अटैक ऑन पैलेस ऑफ किंग, नॉट वर्साय. जब इस बात का किंग को पता लगा कि उसके ऊपर अटैक की प्लानिंग हो रही है, देन ही शिफ्टेड हिज पैलेस फ्रॉम वर्साय टू पैलेस टू लैरिस. अब कई बार क्या होता है, जब किंग किसी और एरिया में छुपकर रह रहा होता है ना,
तो वहां पे सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि किंग जो है वो कहाँ पे रह रहा होगा, पैलेस ऑफ वर्सायल में। इसी चीज का फायदा किसने लिया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने आर्मी के साथ मिलकर, अपने जैकोबिन ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर, ही अटैक्ड ऑन पैलेस ऑफ टुलेरेंस, और वहां से लुई 16 क्वीन और उनकी फैमिली या कुछ नॉबल्स को अरेस्ट कर लिया गया, और बाद में उनको क्या कर दिया गया, ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कि कोर्ट केस चलाना, पूरा कोर्ट केस चला उनके ऊपर कि उन्होंने क्या किया, कौन सा चार्ज लगाया उनके ऊपर, चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब है देशद्रोह का चार्ज। देशद्रोह का मतलब अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट आकर प्लानिंग करना, अपनी कंट्री पे अटैक प्लान करना, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन लुई 16 वाज इन जेल, क्वीन वाज इन जेल, जब उनके रिगार्डिंग जो है वो कोर्ट केस ट्रायल चल रहा था, एट दैट टाइम इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन द कंट्री। अब किंग नहीं है तो पोस्ट तो खाली हो गई, लेकिन अब उस रूलर की पोस्ट को फिल करने के लिए व्हाट वाज डिसाइडेड, टू कंडक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। एंड इन दिस इलेक्शन जैकोबिन क्लब जो था वो एक जैकोबिन पार्टी की फॉर्म में सामने आया, और भी छोटी छोटी पार्टीज थी, बट दिस पार्टी गेन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, एंड विद दिस दिस पार्टी द लीडर ऑफ दिस पार्टी मैक्सिमम रॉबेस्पियर ही बिकेम द रिपब्लिक हेड ऑफ द कंट्री। सबसे पहले फ्रांस क्या था, मोनार्की, उसके बाद 1791 में फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एंड 1793 में फ्रांस में जब इलेक्शंस करवाए गए तो फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक इन 1793 विद द कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस करवाए गए, जैकोबिन पार्टी वाज द बिगेस्ट पार्टी टू अचीव मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, लीडर ऑफ द पार्टी वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, एंड ही बिकेम द रिपब्लिक। रिपब्लिक हेड बनते ही वो किंग नहीं था, ही वॉज रिपब्लिक हेड ऑफ द कंट्री। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक इज दैट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच हेड ऑफ द कंट्री इज नॉट इलेक्टेड हेरिडिट्री। हेरिडिट्री का मतलब क्या होता है, फैमिली आफ्टर फैमिली नहीं होता। आप खुद सोचो कि लुई 16 की डायनेस्टी कितने ईयर से उसकी डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया। लुई 16 तो मतलब उससे पहले कितने ही लुईस किंग होंगे, ठीक है, और उस डायनेस्टी को खत्म करके मैक्सिमम रॉबेस्पियर एक कॉमन पर्सन जो था, थर्ड एस्टेट से बिलोंग करता होगा, जब उसके हाथ में पावर आई होगी तो वो कितना खुश हुआ होगा, और उसकी इसी खुशी को एंड में हम कहते हैं राइन ऑफ रेड। कैसे, क्योंकि उसने बहुत सी पॉजिटिव पॉलिसीज जो है उनको इंप्लीमेंट किया, एंड मैनी पॉलिसीज वर नेगेटिव। ये क्वेश्चन है यहाँ तक जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन लाइक हु वर जैकोबिन्स, जैकोबिन्स वर द पीपल फ्रॉम थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट में से भी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दे कॉल देमसेल्व्स एज सैंड क्यूलट्स। क्यूलट्स क्या होती है, क्यूलट्स का मतलब होता है लॉन्ग ट्राउजर्स, स्ट्राइप, लॉन्ग ट्राउजर, ट्राउजर होता है ट्राउजर, ठीक है, स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब होता है स्ट्राइप डिजाइन। ये ड्रेस पहले कौन पहनते थे, डॉकयार्ड वर्कर्स। डॉकयार्ड क्या होता है, पहले ये याद रखो कि डॉकयार्ड क्या होता है, द प्लेस नियर द पोर्ट्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द शिप्स, उस एरिया को क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड, ठीक है। डॉकयार्ड का मतलब एक ऐसा एरिया, हार्बर्स या पोर्ट एरियाज होते हैं जहां पे दूसरी कंट्री से शिप आता है, उसको लोड या अनलोड करने के लिए जो लोग एम्प्लॉय किए, जैसे ट्रक ड्राइवर, उनका काम है ड्राइव करना, ठीक है। डॉकयार्ड वर्कर का काम क्या होता है, डॉकयार्ड में जो भी सामान आएगा उसको स्टोर हाउस में लोडिंग या अनलोडिंग का काम करना। तो जैकोबिन क्लब में बहुत से मेंबर्स ऐसे थे जो वो ड्रेस पहनते थे, उसी ड्रेस को जैकोबिन क्लब ने अपनी नेशनल ड्रेस बना लिया, और उन्होंने अपने आप को क्या कहा, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, कि हम ब्रीचेस नहीं पहनते, हम ब्रीचेस नहीं पहनते, हम क्या पहनते हैं, लॉन्ग ट्राउजर्स, वी आर सैनक्यूलर्स। सैनक्यूलर्स का मतलब फ्रेंच मतलब इसका है कि विदाउट नी ब्रीचेस। ऐसा क्यों डिसाइड किया, क्योंकि वो अपने आप को फैशनेबल सेक्शन से अलग शो करना चाहते, वो नहीं चाहते थे कि वो उनकी तरह दिखें, वो उनको कॉपी नहीं करना चाहते थे, वो अपना अलग से एक फैशन स्टेटमेंट बनाना चाहते थे। एंड दे स्टार्टेड वेयरिंग रेड कैप, रेड फ्राइजियन कैप का मतलब है यस लिबर्टी, कि वी आर फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अर्लियर दोज पीपल हु वर फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट, ठीक है। और इसके अलावा आपको लीडर का नेम, मैक्सिमम रॉबेस्पियर, रिपब्लिक का नेम, ठीक है, आगे आ जाओ। नेगेटिव पॉलिसीज क्यों कहते हैं इसके टाइम को, राइन ऑफ टेरर 1793 to 1796,
इसको, इस एक ईयर जो वन ईयर है इसको राइन ऑफ टेरर कहते हैं, बिकॉज 1794 में ही हिमसेल्फ वाज एग्जीक्यूटेड, और जो पनिशमेंट उसको दी गई, ये पनिशमेंट उसने स्टार्ट की थी। क्या कहते हैं इस पनिशमेंट को? गिलोटिन कर देना। गिलोटिन का मतलब है, यानी कि सबसे पहले ये एक डिवाइस थी, इस डिवाइस को बनाया किसने था? डॉक्टर गिलोटिन। उन्हीं के नेम के ऊपर इस डिवाइस का नाम क्या पड़ गया? गिलोटिन। पनिशमेंट का नाम मतलब अगर किसी पर्सन को हैंग टिल डेथ है, फांसी की सजा देनी है, तो हम कहते हैं हैंग टिल डेथ, है ना। लेकिन अगर किसी को गिलोटिन करना है तो पर्सन विल बी गिलोटिन। अब ये गिलोटिन क्या था? एक डिवाइस था। इस डिवाइस जब भी किसी पर्सन को गिलोटिन देते थे ना, जैसे लुई 16 को भी गिलोटिन किया था ना, तो पूरी कॉमन पब्लिक के सामने सेंटर में एक प्रॉपर जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर गिलोटिन डिवाइस को रखा जाता था और डे एंड डेट वॉज इन्फॉर्म टू द कॉमन पब्लिक बाय, उस टाइम टेलीविजन रेडियो तो होते नहीं थे, तो जो किंग जो ऑर्डर देते थे कॉमन पीपल, जो ड्रम बजाकर सब लोगों को बताते। एंड ऑन दैट डे ऑल द पीपल दे गैदर नियर अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, और वहां पे जिसको भी गिलोटिन करते थे उसको पहले प्रॉपरली जो है रिचुअल्स होते थे, जैसे फांसी से देते हैं तो उससे पहले जो भी रिचुअल्स होते हैं उनसे उनकी लास्ट विश पूछी जाती है कॉमन पब्लिक के सामने, तो ऐसे रिचुअल्स उस टाइम पे होते। इसके बाद सेंटर में मतलब जो है एक ऐसा बैठने के लिए इस तरह से ऐसे एक स्ट्रक्चर होता था, यहाँ पे उसकी गर्दन रखी जाती थी, उस पर्सन उसको बिठा दिया जाता था और उसके हाथों को पीछे बांध दिया जाता था, और ऊपर यानी कि पोल्स, ये पोल्स होते थे और उन पोल्स के सेंटर में ब्लेड होता था। वो पर्सन बैठता था, जैसे ही वो नेक आगे रखता था ब्लेड ऊपर से पुल करते थे और ब्लेड नीचे गिरता, दैट वॉज गिलोटिन, ठीक है। और ये जो था एक ऐसा राइन ऑफ टेरर, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैनी पीपल देवर गिवन गिलोटिन। एक और नेम आपने याद रखना है, वुमेन ओलंपेडी गॉज, वाई शी वॉज गिवन गिलोटिन? शी जस्ट डिमांडेड वुमेन राइट्स, एंड उसने क्या किया? शी रोट राइट्स फॉर चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है? उसने एक लिस्ट बनाई, उसने कहा कि जैसे मैन के लिए चार्टर है, मैन के लिए राइट्स हैं, तो वुमेन के लिए क्यों नहीं है। एंड शी रोट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर वुमेन, और इसीलिए उसको क्या किया गया? गिलोटिन। तो ये भी एक तरह से राइन ऑफ टेरर है। नंबर वन, मैनी वुमेन देवर गिवन गिलोटिन, दोज हू डिमांडेड राइट टू वर्क, जो वुमेन चाहते थे कि उनको भी जॉब दे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे। इसका मतलब मैक्सपन रॉबेस्पियर जो था वो क्या था? यस, ही वॉज अगेंस्ट वुमेन राइट्स। सेकेंड उसने क्या किया? नेगेटिव उसका बताना है, दैट ही इम्पोज मैक्सिमम लिमिट। लिमिट किसके ऊपर? सैलरी और प्राइसेस के ऊपर। सैलरी पर कैसे? यानी कि सपोज उसके टाइम पीरियड में जो सैलरी वो डिसाइड करेगा, फैक्ट्री जो वर्कर्स हैं या ऑनर्स हैं उतनी ही सैलरी देंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। या फिर जो प्राइसेस हैं, सपोज वीट है, राइस है, शुगर है, उसके प्राइसेस जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतने ही रेट पे बेचा जाएगा। अगर कोई उससे कम बेचेगा तो उसको गिलोटिन कर दिया जाएगा, उससे ज्यादा बेचेगा तो उसको गिलोटिन कर दिया जाएगा। मीन्स आप खुद सोचो कि उसके टाइम पीरियड में कितने ही लोगों को गिलोटिन किया गया होगा। और ये एक था रूल ऑफ टेरर, यानी कि मैक्सिमम रॉबेस्पियर का शायद ये मानना होगा कि लोग पहले किंग को ओबे करते थे, अब वो कॉमन पीपल है तो मे बी जो पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग होंगे वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, और उसीलिए उसने अपना एक जिसम कहते हैं कि अपना रूल जो है मनवाने के लिए मे बी ऐसी पनिशमेंट पॉलिसी जो है टफ पनिशमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की होगी, ताकि लोग उसके रूल्स को माने, और जो नहीं मानते थे देवर गिलोटिन। थर्ड, इवन हिज ओन जैकोबिन क्लब मेंबर्स, कई बार क्या होता है कि अपनी ही पार्टी के लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, देन देवर आल्सो गिलोटिन दोज हु सपोर्टेड मैक्सिमम रॉबेस्पियर, जिन्होंने सपोर्ट किया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रॉबेस्पियर वॉज अ वन ऑफ दैट 600 रिप्रेजेंटेटिव हु अटेंडेड द मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल। मैक्सिमम रॉबेस्पियर ने मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल भी अटेंड की, उसके बाद जब नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बना, देन ही वॉज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ही आल्सो टुक पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काफी एक्सपीरियंस था, ठीक है। थर्ड, फिर आपने बताना है दैट ब्रेड, आज के टाइम पीरियड में होल व्हीट ब्रेड जो है उसको हम खाते हैं तो दैट इज हेल्दी, है ना, हम कहते हैं व्हाइट ब्रेड इज नॉट हेल्दी जो मैदे की बनी होती, एंड बट एट दैट टाइम
देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेड आल्सो। देखा जाए तो यूरोप है उसकी जो स्टेपल डाइट है वो ब्रेड है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थी वो खाते थे व्हाइट ब्रेड, एंड थर्ड एस्टेट खाती थी होल ग्रेन जो व्हीट ब्रेड होती। ठीक है, तो इसने क्या किया, व्हाइट मैदे वाली ब्रेड को ही खत्म कर दिया। ठीक है, एंड ही इंट्रोड्यूस इक्वालिटी, यस की पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस इक्वालिटी ब्रेड। इक्वालिटी ब्रेड का मतलब सभी लोग एक जैसी ब्रेड खाएंगे। देन कुछ वर्ड्स को खत्म कर दिया, यानी कि जब भी पहले क्या होता था, थर्ड एस्टेट के लोग जब भी सेकंड या फर्स्ट एस्टेट के लोगों से मिलते थे, बेंड टुवर्ड्स देम, झुकते थे, ठीक है, हैट रिमूव करते थे, ये ट्रेंड होता था उस टाइम पीरियड में। एंड उनके नेम नेम नहीं बोल सकते थे उनका, सर और मेल है तो सर, और अगर वीमेन है तो मैड। इसने क्या किया, ये वर्ड्स को खत्म कर दिया। आज भी जब बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ना, वहां पे अगर कोई आपसे सीनियर भी है, अगर 20 इयर्स 30 इयर्स सीनियर भी है ना, लोग एक दूसरे का नेम लेते हैं, और सपोज अगर रैंक की बात करें तो वो बोलते हैं बॉस। तो जस्ट कोई सर या कोई मैडम ऐसा जो प्रोनंसिएशन में वर्ड्स जो है वो नहीं बोलते, ठीक है, नो डाउट वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में, जैसे सपोज मैंने आपको ये बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, एट दैट टाइम इंडियंस फेस दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इंडियंस ब्रिटिशर्स एक्सपेक्ट करते थे कि लोग हमारे सामने झुके और अपनी टर्बन रिमूव कर, लेकिन हमारी कंट्री में टर्बन उतारना एक तरह से क्या माना जाता है, हाँ, डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है, डिग्निटी जो है वो लो हो जाती है। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम फेस्ड बाय मैनी पीपल। सो मैक्सिमम रॉबेस्पियर ने इसको खत्म कर दिया, सर और मैडम जैसे वर्ड। लेकिन प्रॉब्लम किनको आई, जो लोग रिस्पेक्ट चाहते थे, जो पहले नॉबल्स थे या जो फर्स्ट एड से चर्च पीपल जो थे, अब धीरे धीरे उनको लगने लगे कि उनकी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में खत्म हो गई। ठीक है, चर्चेस को बंद कर दिया गया, वर्शिप प्लेस, लोगों का रिलीजन जो है वर्शिप प्लेस ही छीन लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो अगेंस्ट हो जाएंगे। और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी उन बिल्डिंग्स को मिलिट्री बैरक्स बना दिया गया और मिलिट्री जो वेपन्स थे वहां पे स्टोर किए जाने लगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम रॉबेस्पियर का जो रूल था, सम वर सैटिस्फाइड एंड सम वर नॉट, दोज हु वर नॉट सैटिस्फाइड दे हैव रिटन इन देयर बुक्स दैट दिस टाइम पीरियड इज नोन एज राइन ऑफ टेरर बिकॉज ही इंप्लीमेंटेड हिज पॉलिसीज सो हार्शली दैट इवन हिज ओन फॉलोअर्स स्टार्टेड हेटिंग, यानी कि उसके अपने फॉलोअर्स ने उसको हेट करना शुरू कर दिया। जैसे सेम मैंने आपको हिटलर की स्टोरी बताई कि हिटलर को भी पहले लोगों ने इसको सपोर्ट किया, लेटर ऑन व्हेन ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देन मेनी पीपल टर्न अगेंस्ट। ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी जो थी वो ले, अब गवर्नमेंट के पास, मैक्सिमम रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट के पास कितनी प्रॉपर्टी आ गई। नेम ऑफ द पार्लियामेंट, इसे पार्लियामेंट का नेम क्या चेंज कर दिया, कन्वेंशन। एंड एज फॉर वोटिंग राइट्स 21। अब ये भी देखो, लुई 16 के टाइम पर मैं नो वोटिंग राइट्स, ठीक है, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, सिटीजन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्टिव एंड पैसिव, एंड वोटिंग एज क्या रखी गई, 25। ठीक है, मैक्सिमम रॉबेस्पियर ने क्या किया, एज ओनली टू मैन नॉट टू वेमेन, वोटिंग राइट्स वर गिवन टू मैन ओनली एंड द एज 21 इयर्स। अब ये खुद सोचो कि मैक्सिमम रॉबेस्पियर के इलेक्शंस में जिन लोगों ने पार्ट लिया होगा तो 21, जिनकी एज 21 से ज्यादा होगी, मेल मेंबर्स, they took participation for the elections of Maximilian Robespierre. Clear? After that, अब फिर हमने पढ़ना है that 1794 he himself was guillotined. उसको भी guillotine कर दिया. Reason क्या था? उसके ऊपर भी charge का मतलब होता है trial. अब लोग किसी को नहीं छोड़ते, लोगों को satisfy नहीं किया जा सकता. ठीक है, अब ये हमेशा है, चाहे monarchy system था, चाहे constitutional monarchy था, चाहे republic government है, people can't be satisfied, and that's why at during the time of Maximilian Robespierre many people turned against, and in the 1794 he himself was guillotined. ab 1794 se lekar 1804 tak ka jo time period, is particular time period mein France ki jo government thi that was controlled by directory, डायरेक्टरी। और 1804 में किसका रूल आया, नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी का मतलब है रूल ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टरी, रूल ऑफ डायरेक्टर्स। और ये डायरेक्टर्स कैसे इलेक्ट होंगे, यानी कि रॉबेस्पियर की डेथ, उसके डेथ के बाद फ्रांस में फिर से इलेक्शंस करवाए गए, और इन इलेक्शंस में
पार्लियामेंट के दो हाउस जो हैं वो बनाए गए, उनको कहा गया काउंसिल्स, काउंसिल वन एंड काउंसिल टू। यानी कि मैक्सिमम रॉबेस्पियर की डेथ के बाद 1794 के बाद फ्रांस में कन्वेंशन खत्म हो गई, नए इलेक्शंस करवाए गए और इन नए इलेक्शंस में वोटिंग राइट दिए थे किनको दिए थे, ऑल द मेल अबव द एज ऑफ 21। टू काउंसिल्स जैसे हमारी कंट्री में अगर बात करें लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। एंड दीज मेंबर ऑफ दीज काउंसिल्स, सपोज एमपी, हम इनको कह देते हैं कि एमपी है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दे विल इलेक्ट, इलेक्ट का मतलब होता है वो अपने में से जो ये काउंसिल के मेंबर्स हैं उन उनमें से क्या इलेक्ट करेंगे, फाइव मेंबर्स। सपोज एक कंट्री के पांच प्रेसिडेंट, एक कंट्री के पांच प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्टर्स जैसे होता है ना कोई कंपनी होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड का मतलब क्या होता है उसमें पांच मेंबर ना, तो ऐसे ही फ्रांस में अब कितने रिप्रेजेंटेटिव हो गए, काउंसिल जो है वो अपने में से पांच मेंबर्स को चुनेंगे। वाई, क्योंकि फ्रांस के लोगों का ना वन मैन रूल से विश्वास उठ गया, लुई सिक्सटीन के बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तो दे वांटेड दैट पावर शुड बी गिवन, पावर शुड बी डिवाइडेड। इधर तो कर ही दिया था ऑलरेडी, एग्जेक्टिव्स को भी डिवाइड कर दो, ठीक है। पांच मेंबर्स का मतलब है कि कंट्री के सोचो पांच प्रेसिडेंट हो गए, पांच प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से। अब प्रॉब्लम क्या आई, एक कंट्री के पांच रूलर हो गए सपोज, तो क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, कई बार क्या होता है इनमें ईगो प्रॉब्लम आती, क्लैशेस क्या होंगे, सपोज अब इनकी यूनिटी तभी होगी जब इनका जो प्रपोजल है वो होगा 3:2, पर 3:2 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि पांच के पांच मेंबर्स हैं, हर मेंबर अपनी चलाएगा। जैसे फैमिली होती है ना, फैमिली में क्या होता है, सपोज आपके फादर हैं वो कहेंगे कि नहीं दिस इज राइट, मदर हैं वो कहेंगे दिस इज राइट, बच्चे कहेंगे नहीं दिस इज राइट, तो क्या कभी एक यूनैनिमस डिसीजन हो पाएगा। सपोज बर्थडे सेलिब्रेशन ही, आपके पापा कहेंगे कि घर में सेलिब्रेट करना है, मम्मा कहेंगे नहीं जी टेम्पल में जाना, बच्चे कहेंगे नहीं जी मॉल टाउन जाना, ठीक है, या और फैमिली मेंबर्स ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर वो कहेंगे जी, तो क्या कभी 3:2 हो पाएगा, हो जाता है कईयों में, हो जाता है कईयों में नहीं होता, कई बार हो जाता है कई बार नहीं होता, ठीक है। दिस वॉज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय डायरेक्टरी गवर्नमेंट एंड दैट्स वाई, ठीक है, यस कीप क्वाइट, दैट्स वाई दिस लीड्स टू क्लैशेस अमंग द गवर्नमेंट, ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, आपस में लड़ते रहेंगे तो काउंसिल में लॉ पास नहीं हो पाएगा, काउंसिल लॉ पास करके इनको देगी लेकिन ये फाइव मेंबर्स उस पर ही लड़ते रहेंगे, तो कंट्री के लिए लॉ पास करना बहुत मुश्किल होगा। दिस इज द रीजन वाई फ्रॉम 1794 टू 1804 फ्रांस की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो वीक होती गई एंड दिस लेड टू अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल का मतलब होता है डायरेक्टर चेंज हो जाते थे, काउंसिल कई बार क्या करती थी मेंबर्स को चेंज कर देती थी, और इस तरह से स्टेबल गवर्नमेंट बनी ही नहीं। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चीफ कमिश्नर ऑफ आर्मी फ्रांस के कौन थे, नेपोलियन, ही टुक एडवांटेज ऑफ दिस वीक कंडीशन एंड इन 1804 विद द पावर ऑफ आर्मी उसने क्या किया, ही ओवरथ्रू हिज जो भी इनकी गवर्नमेंट थी डायरेक्टरी रूल एंड एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप एंड इन 1804 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज मिलिट्री एम्परर ऑफ द फ्रांस, मिलिट्री एम्परर कह लो या डिक्टेटरशिप कह लो, और 1804 में उसने क्या किया, सारी फ्रांस की पावर वन मैन कौन आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट, और इस तरह से कंट्री में एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, डिक्टेटरशिप। आप ये सोचो कि कितने एक्सपेरिमेंट हुए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, गवर्नमेंट कीप ऑन चेंजिंग एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसे चेंज होती है। Yes, ma'am. Ma'am, you are not audible.
Now it is okay? Yes, ma'am. Thank you. हाँ जी बच्चे, अब इसके बाद नेक्स्ट हम रूल पढ़ेंगे सिविल कोड, नेपोलियन कोड, कुछ भी बच्चे आए, चाहे आपको आए सिविल कोड, चाहे नेपोलियन कोड, चाहे आए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आता है तो इन विच ईयर नेपोलियन कोड वॉज इंट्रोड्यूस, 1804। सेकेंड क्वेश्चन, हु बिकेम द मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस इन 1804, नेपोलियन बोनापार्ट। What changes he introduced? Number one, changes याद रखो। आप listen। आपको list of changes आ सकता है। आपने आपको उसमें से recognize करना पड़ेगा कि कौन से उसके measures नहीं थे। अब मैं number of changes बोल रही हूँ। जो जो yes है तो yes बोलते जाना। अगर by chance मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप no बोलोगे। आपके को पता होना चाहिए। Number one, he introduced decimal system। ठीक है? Then he improved ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है? ही री इंट्रोड्यूस स्लेवरी सिस्टम। यस। ही गेव वोटिंग राइट्स टू वुमेन। नो। ही वाज आल्सो अगेंस्ट अगेंस्ट ऑफ वुमेन राइट्स। ही गेव राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। नो। इसलिए मैं जानबूझ के बता रही हूँ ताकि एमसीक्यू बेसिस पे आपको रिकॉग्नाइज करना है। हाँ जी, 1946 में दिया था फाइनली जाकर। ठीक है? देन ही एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। यस। ही आल्सो एबॉलिश गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम, अच्छा गिल्ड सिस्टम क्या था? यस, ही एबॉलिश गिल्ड सिस्टम। क्या था बच्चे गिल्ड सिस्टम? इन फ्रांस मेनी एसोसिएशंस ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स वाज देयर। मर्चेंट ट्रेडर्स की एसोसिएशन, फॉर एग्जाम्पल जो लोग आयरन माइंस या कोल माइंस होती हैं या गोल्ड स्मिथ होते हैं या क्लोथ मर्चेंट होते हैं, उनकी अपनी अपनी एसोसिएशन होती है। इन एसोसिएशन के मेंबर्स किसी भी न्यू मेंबर को एंट्री नहीं देते थे, क्योंकि अगर ये न्यू मेंबर्स को एंट्री देंगे तो उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और इसीलिए ये मेंबर्स जो थे वो उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट से इन्होंने परमिशन ली हुई थी कि इन मेंबर्स के अलावा फ्रांस में कोई और मेंबर जो है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। सपोज अगर कॉटन टेक्सटाइल की बात करो तो जिनकी कॉटन टेक्सटाइल की मिल थी, सपोज नंबर ऑफ दीज गिल्ड एसोसिएशन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, सपोज 30 होगा। अगर 5 और आना चाहते हैं तो दे वर नॉट अलाउड। दिस वॉज कॉल्ड गिल्ड सिस्टम। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम पीरियड में लुई 16 या मैक्सिमम रॉबेस्पियर के टाइम पीरियड में ये मर्चेंट जो थे वो गवर्नमेंट को क्या देते थे? Big amount of tax. So that's why at that time monopoly system was there. Monopoly का मतलब क्या होता? Single, यानी कि group का control था proper. लेकिन Napoleon Bonaparte ने इस guild system को क्या कर दिया? Remove. And the, with the removing of this system, who became very happy? New merchants, new businessmen. जो नए businessman उस businessman में entry पाना चाहते। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ ड्यूज खत्म कर दिए फार्मर्स के लिए। ठीक है? उस टाइम पीरियड में फार्मर्स को ना सर्व कहते थे, SERF, सर्व। तो आपकी बुक में एक ड्यू है जिसको सर्व टर्म बोलते हैं। सर्व टर्म का मतलब क्या होता है? टैक्स गिवन बाय सर्व फार्मर्स। तो ही रिमूव सर्व टर्म एंड मैनोरियल। एक और ड्यू है मैनोरियल ड्यू। आपको पता है रिच लैंडलॉर्ड्स को क्या बोलते थे? मैनर्स। तो उनको कुछ ड्यूज देने पड़ते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इन ड्यूज को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ही एबॉलिश सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। सो दैट्स व्हाई फार्मर्स एंड बिजनेसमैन दे बिकेम वेरी हैप्पी विद द नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि शायद इतनी देर से जो सिस्टम है इसको नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो चेंज कर रहे। ठीक है? देन अब But in the starting he was liked by the people, but later on he was disliked. अब dislike के कुछ points लिखो। Number one, क्या किया Napoleon Bonaparte ने? He imposed censorship. उसने क्या किया? Censorship लगा दी। Censorship क्या होती है? अब इसका word जो है censor। Censor का मतलब क्या होता है? Louis 16 के time period में वो कुछ censors को appoint करते थे। Censor का मतलब होता है कुछ persons को। इनका काम क्या होता था? Books का matter पढ़ना,
जो भी लोग लिखते हैं उस मैटर को पढ़ना कि उसमें कुछ भी किंग के अगेंस्ट तो नहीं है, और अगर ऐसा होता था दोस पीपल वर गिवन पनिशमेंट, और इसीलिए उस टाइम पीरियड में कोई भी जो पर्सन था दे वर नॉट डेयर टू अपोज किंग। हाँ जी खत्म करती थी गिलोटिन के बाद खत्म करती थी, ठीक है। हाँ जी इसके बाद सेकेंड हमने, अच्छा ऐसी जो है ऐसे ट्रेडिशन को क्या कहा गया, सेंसरशिप। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जिस टाइम पीरियड में मैक्सिमम रॉबेस्पियर का रूल आया उसने सेंसरशिप को क्या कर दिया, खत्म कर दिया कुछ देर के लिए। लेकिन बाद में जब नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आया इसने सेंसरशिप को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, ही आल्सो स्टार्टेड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मर्स इनटू आर्मी। क्यों? बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज मिलिट्री डिक्टेटर, वो कंट्री में कभी रहा ही नहीं, फ्रांस में कभी रहा ही नहीं। ही कीप ऑन अटैकिंग अदर टेरिटरीज अदर कंट्रीज, और जब भी किंग को या रूलर को आर्मी चाहिए होती है तो नंबर ऑफ पीपल जो है कहाँ से फोर्सफुली का मतलब होता है हर फैमिली में कंपल्सरी कर दिया। सपोज अगर किसी फैमिली में दो मेल मेंबर हैं तो एक मेल मेंबर को आर्मी ज्वाइन करना कंपल्सरी कर दिया, ताकि नंबर ऑफ जो लोग विलिंगली नहीं चाहते आर्मी में आना उनको कंपल्सरी क्या किया जाए, आर्मी में ज्वाइन करवाया जाए। तो दैट वॉज अगेंस्ट। अब अगर आप लोगों को कोई कहे कि आप पढ़ाई छोड़कर आर्मी में जाओ, आप में से बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे कि जो कहेंगे कि हाँ जी हम अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहते हैं। बट एट दैट टाइम इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर एवरी फैमिली टू ज्वाइन आर्मी। क्लियर? सो टाइम इज ओवर, नेक्स्ट आई विल डिस्कस टुमारो।